भाभी जी राम राम। तेरी छह छह बार राम राम। भाभी कह दे। अभी महलों के अंदर से मुझे कुछ आवाज आ रही थी। कैसी आवाज? आपके पास कौन था महल में? मेरे पास तो महल में कोई नहीं था। लेकिन आवाज आ रही थी, आप किससे बात कर रही थी? ओ वो मेरी दासी थी, बांदी। बांदी? हाँ। लेकिन बांदी की आवाज नहीं, वो तो आदमी की आवाज थी। वो मेरी बांदी का ना गला खराब हो रहा है, तो उसकी आवाज भारी होगी। भारी हो रही है उसकी आवाज। मैंने उसको देख भी लिया है, उसके दाढ़ी मूछ भी नजर आ रही थी। तू पागल हो गया है? पहले तो तू मुझे ये बता कि तू आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गया? आज? हाँ आज सेकंड सैटरडे है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आ गया। तो मेरे महल के दरवाजे के पास क्या कर रहा है? मैं इसलिए आया था कि आकर के पहले भाभी को नमस्ते करूं। लेकिन भाभी हाँ। महल के अंदर मुझे संदेह हुआ है, कौन व्यक्ति था वो आप मुझे साफ साफ बताओ। जब मैंने तुझे कह दिया मेरे महल में कोई नहीं था। भैया कोतवाली में है, बांदी दासी अपने कक्ष में है। अच्छा। और आपके महल के अंदर मुझे मर्द की आवाज आई, आप मुझसे झूठ बोल रही हो? यानी कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं, मैंने हकीकत भी कुछ देखी है। भाई मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? मेरे महल में कोई था? नहीं था कोई भी। ले आपके महल में वही था जो मुझे 20 रुपए दे गया। तू पागल हो रहा है भाभी? कोई नहीं था मेरे महल। साफ साफ बता दे, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तू पागल हो गया तेवर? मुझे बहकाने की कोशिश ना कर, अब मैं इतना छोटा नहीं हूँ, जानता हूँ सब बात। तू तो वैसे भी छोटा ही है। हाँ हूँ तो छोटा ही, लेकिन इतना छोटा नहीं हूँ कि मैं इतनी भी पहचान ना कर पाऊँ कौन आया है कौन गया है। यानी कि तू अपनी बेबी से बहस करेगा? बहस? हाँ मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ, बहस मत कर नहीं तो तुझे कटवा दूंगी। भाभी आज तू अपने देवर से इतने प्यार से और दिन बोलती थी, आज तू इतनी तरह से जो मेरे ऊपर को गुस्सा हो रही है। ऐसे ही हो रही हूँ गुस्सा, क्योंकि तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मैं उल्टी सीधी कर रहा हूँ? हाँ। सुन ले मेरी बात को। कह दे। एक बार बोल। क्या बोलूं? पागल हो गया ये तो। कौन तेरी सेज पे चढ़ा? ओ विक्रम जबान पर लगा दे। मैंने देखा है, अच्छी तरह से देखा है, तेरे इस बिस्तर के पास में बैठे हुए देखा उसको। किसे देखा है? बताऊं? बता। तू ही बता दे ना। तू ही बता दे। आप ही बता दो अपने आप ना। आज तो तू ही बता दे कौन था मेरे महल। मैं तो फिर खोल ही दूंगा लास्ट में पोल। खोल दे रख योगा ठा कोतवाल। हम भी खोल देंगे, सही बताऊंगी मैं भी। मेरी बात सुन ले। क्या? ओ पिंगला भापी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा? तो सुन। सुना खामा खा क्यों विक्रम तेरे सहम सा बड़ा पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा? ओ पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा? खामा खा क्यों विक्रम तेरे सहम सा बड़ा पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी तेरी।
ऐसा लगता है कि तू आज दारू पी के आया है। मैं दारू पी के नहीं आया, मैं तो ठीक ठाक हूँ। ठीक ही तो मेरा और दारू का क्या मेल? भाभी तू झूठे आरोप लगा रही मुझ पे। छोटा सा है पर पूरी तीखी मिली चाहिए। हाँ भोला बन के रहूं। हाँ अपने आप तू मेलो में। अरे मेरा देवर और मेरा बेटा गुनाह कर रही है। सुन अगर तू मेरी बात मानेगा ना, देख तने जो महल में देखा उसे छोड़ सब बात को। अरे सब बात में मिट्टी गिर। देख मैं तेरे लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाऊंगी, तेरी सेवा करूंगी, तुझे बाबू हेलो टॉफी देने के चक्कर में लग रही है ना। लॉलीपॉप दे रही हूँ ले ले भाई। हाँ सब दिए जा, तेरे धोरे भंडारा चल रहा है। तुझे ही दूंगी बस, पर तू मेरी बात मान। नहीं भाभी आज भैया से जाकर के शिकायत कर दूंगा। अरे क्या कहेगा तू अपने भैया? मैं पहले तो ये सोच रहा था कि शायद हो सकता है मेरे भैया हो, और मेरे भी भैया ना हो तो तेरे बिस्तर पर शायद तेरे भैया हो। ओहो पर लेकिन ना तेरे भैया ना मेरे भैया, तो फिर और है कौन वो? तू पागल हो रहा है, मेरे महल में कोई नहीं था। अच्छा हाँ अच्छा घर के माल को तू ही बाहर। सुन मेरी बात, शर्म ना रही तेरे? मेरे हाँ मेरे तो बहुत शर्म। अरे महलों के बीच में मैंने अच्छी तरह से देख लिया, हमारे जो वहाँ पे घोड़ों पे जो रहता है ना वो सही, वो कोतवाल वो था तेरे महल के अंदर। अच्छा था मेरे महल में, बता हाँ। तू क्या करेगा? ले जा आगे ना अपनी बात पे। आज सुन तेरा जो वो भाई है ना। हाँ मेरा भाई बरतरी। हाँ वो मेरा चमचा है, चमचा जैसे मैं कहती हूँ ना ऐसे करता है वो। अरे काम और कर भाभी। तू हेलो और तेरा वो भाई, तुम दोनों मिलके मेरी पूंछ पाड़ लो, मेरा ना बिगाड़ सको कुछ भी तू। अच्छा हाँ भैया को चमचा बता रही है? हाँ तो तू ही होगी इतनी बड़ी पतीली का जो तेरा जो मतलब चमचा। तू छन्नी है, हम चमचा और छलनी है। हाँ तो पतीली आज तुझे अगर हमने भी ना सुधार करके तेरा हमने जो मॉडिफाई ना कर दी तू तू करेगा मुझे मॉडिफाई? बता देंगे मुझे तेरी सेवा की जरूरत ना, मैं समझ गया तेरे हाथ दबवाले। हेलो दबवाले मुझे पता तू काली नागन बनते देर ना लगाएगी। नागन नहीं हूँ मैं, तुझसे ना प्यार करने लगी हूँ। नहीं
प्यार तो तू डरिया ही कर रही है कि कभी भैया से जाकर शिकायत कर दे, इसलिए उस जाल को मेरे ऊपर गेरना चाह रही है। अरे तेरे भैया से मैं डरती नहीं हूँ, कितनी बार बताऊं? डर जाएगी तू आज जब भैया से जाकर के मैं बताऊंगा ना। नहीं डरती तेरे इस भैया से, कर ले तू जो करे जा। सीधा मिल रहा ना तुझे भैया? सीधा सीधा भैया मिल रहा तुझे? नहीं तू डर तो एक दिन में जाएगी। तूने अगर महल में मेरी कुछ भी बात देखी है ना, हाँ उस सब बात को भूल जा। अच्छा ये भाभी देवर की बात है, पागल सबके सामने क्यों कहे हैं? तुझे कुछ चाहिए तो बता, मैं दे दूंगी तुझे। मुझे पता तू क्या दे सकती है मुझे? मैं सब कुछ दे सकती हूँ। नहीं मुझे पता है जो तू दे सकती है वो अब बता दूंगा क्या देना चाह रही है तू मुझे। अच्छा हाँ सुन मेरी बात। हाँ। ये जहर देगी तू मुझे पता है, यही देना चाह रही है। तुझे जहर नहीं है, तुझे प्रेम। तू जहर दे करके मेरा कलेश काटने के चक्कर में लग गई है। पागल तुझे जहर नहीं, प्रेम का प्याला दूंगी। नहीं मुझे पता उस प्याले में ही जहर डाल के लाएगी तू। तेरे भाई बरातरी को जहर दे दूंगी तेरे लिए। अच्छा सबका एक अंगटा काटेगी पर तू रहेगी? तू और मैं रहेंगे। नहीं मुझे अब तेरा यकीन नहीं रहा भाभी। अब से पहले तो मैं तुझे पूजता था, तभी तेरा नाम पूजा धरा। तो अब भी पूज ले, अब काम तो कुछ बिगड़ गया ना। अब तू पूजने लायक नहीं रही। अच्छा हाँ अब कह तेरी सेवा करूं खाने में ना चुके इस प्यारे में हद कर गया। Peace.